कल मैंने एक होमवर्क में प्रोग्राम दिया था, वो होटल मेनू वाला, ठीक है। तो उसको हम लोग आज रन करके देखते हैं, जो लोग बना लिए हैं ठीक है, और जो लोग नहीं बनाए हैं दोनों देखना उसको, ठीक है। क्लियर? तो हम लोग का राइट ए प्रोग्राम टू सिलेक्ट एनी डिश फ्रॉम होटल मेनू, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ सबसे पहले होटल डॉट सी नाम से, ठीक है। और हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ठीक है कॉन io.h, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद लिखूंगा void main, टाइप को ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, गेट सी एच हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, और हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल ले लिए थे प्राइस, ठीक है। या फिर प्राइस नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक इंट नम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, clrscr, ठीक है। फिर क्या करेंगे, printf, और यहाँ पे हम लिख देंगे हम लोग एंटर डिश नंबर, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख लेंगे, और स्कैनअप से हम लोग क्या कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे, ठीक है। परसेंट डी कॉमा एम परसेंट, स्क्रीन नहीं आ रही, युवराज का नेटवर्क, हाँ युवराज का मोबाइल खराब हो गया, सबका नेटवर्क खराब है, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, स्कैनअप से हम लोग नंबर इनपुट कर लिए, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट केस, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, सॉरी स्विच केस लगाएंगे, स्विच लिखेंगे, ठीक है। स्विच के अंदर हम लोग किसको चलाएंगे, नम को चलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग केसेस बनाते हैं, क्या क्या केस बनाएंगे, केस वन, ठीक है। केस वन के लिए क्या था, प्रिंटफ, क्या था मेनू में बताओ, चिकन बिरयानी, ठीक है, चिकन बिरयानी था। इसका प्राइस कितना था, 180, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को बस डिस्प्ले करना था वहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं, ठीक है। स्लैश टी लगा देते हैं, ठीक है, वन टाइप स्पेस के लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रेक, ठीक है। केस टू क्या था, हाँ स्पेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। चिकन बटर मसाला हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश टी, ठीक है। और लिखेंगे प्राइस कितना था, 300, ठीक है। फिर लिखेंगे ब्रेक, ठीक है। फिर लिखेंगे केस थ्री, थ्री में क्या था, printf चिकन टिक्का,
ठीक है, स्लैश टी प्राइस कितना था, प्राइस प्राइस कितना था 200, ठीक है। फिर लगा देंगे ब्रेक, फिर लिखेंगे केस 4, ठीक है। क्या था फोर्थ मेनू, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का स्लैश टी, फिर उसका प्राइस, प्राइस कितना था 160, चलो 180 कर देते हैं, महंगा हो गया थोड़ा, 20 रुपये कल से, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है। केस 5, ठीक है, क्या था, चिकन चाउमीन, पनीर, क्या था पनीर, पनीर चाउमीन, प्लेन पनीर, ठीक है, पनीर बटर मसाला स्लैश टी, ठीक है, और प्राइस कितना था इसका, कितना प्राइस था, कोई भी डाल देते 160, अरे सबका थोड़ी 180 होगा, थोड़ा तो 160 ही रखा हूँ, ठीक है 160 रख देते, ठीक है 20 रुपये डिस्काउंट। लास्ट में लगा देते हैं ब्रेक, ठीक है। अब 5 ही मेनू रखे हम लोग, होटल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं रखते हैं। लास्ट में हम लोग लिख देंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अगर कोई सिलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, यू आर नॉट ऑर्डर, ठीक है, इस टाइप से हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैसेज आता है जब सेव करते हो, तो सेव करने से एक मैसेज आता है ये वाला, ठीक है, डेट टाइम ऑफ डिस्क फाइल हैज़ चेंज, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल होटल डॉट सी, ठीक है। यहाँ पे आग बंद करके यस कर देना, ठीक है, या फिर वाई दबा देना, कीबोर्ड में वाई दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो वाई का, यस का वाई जो है पीला कलर का है, नो का एन जो है पीला कलर का है, ठीक है, तो वाई दबाओगे तो यस हो जाएगा और वापस से सेव हो जाता है सेम फाइल में, ओवरराइट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो उसके साथ में डेट और टाइम भी सेव होता है ना, फिर इसमें हम लोग कोड में चेंज किए, फिर से इसको सेव करेंगे तो डेट और टाइम फिर से अपडेट होगा, क्लियर, तो इसलिए वो बार बार पूछता है, ठीक है, तो उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। तो हम लोग इसको करते हैं कंपाइल, बहुत सारे लोग को कंपाइल नहीं हो रहा था, देखो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करने में किसी को कोई दिक्कत आ रही थी, है ना, मैं यहाँ एंटर डिश डालता हूँ, ठीक है, डिश नंबर 1 क्या आना चाहिए, चिकन बिरयानी, प्राइस 180, ठीक है, रन हो रहा है बराबर, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ये बार बार पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे बार बार पूछेगा होटल डॉट सी डेट टाइम ऑफ डिस फाइल हैज़ चेंज, ठीक है, रीलोड करने के लिए यस दबा देना इसको। F9 हम लोग करते हैं और डालते हैं डिश नंबर 2 ऑर्डर करते हैं, ठीक है, क्या आएगा, चिकन बटर मसाला, ठीक है, प्राइस है 300, ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको और डिश 3 मंगाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है, तीनों डिश खाएंगे आज, ठीक है, चिकन टिक्का मसाला प्राइस 200, ठीक है, आ रहा है। अब फिर से रन करते हैं और हम लोग डिश नंबर 4 डालते हैं, 4 में क्या आएगा, पनीर टिक्का है, प्राइस 180, ठीक है, सही है,
ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है पनीर टिक्का के बाद वो स्लैश टी लगाए हैं उससे स्पेस दिख रहा है, ठीक है, तो वन टैब का स्पेस देता है वो, क्लियर। हाँ तो वैसा करना है तो स्लैश एन डाल दो, नीचे आ जाएगा। हाँ ठीक है, स्लैश एन डाल दो इसकी जगह तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन डालता हूँ तो यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आ गया, वो तो अपने ऊपर है, कैसे भी बना सकते हैं हम लोग, जैसा डिस्प्ले करना है वैसा कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी स्लैश टी ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, और हम लोग फिफ्थ डिश भी ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, पनीर बटर मसाला भी ऑर्डर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं ऑर्डर करते, जा रहे हैं होटल में से पानी पी रहे हैं और घूम के आ जा रहे हैं, ठीक है। डिश नंबर सिक्स, ठीक है, तो क्या बताएगा, यू आर नॉट ऑर्डर्ड एनी डिश, प्लीज़ ऑर्डर समथिंग, ठीक है, क्लियर। आया प्रोग्राम समझ में कि नहीं आया, आ गया, पेट भर गया सबका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग स्विच केस यूज़ करते हैं, ठीक है, आया समझ में, जिसका नहीं बना होगा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो, नीचे इतने ही तो प्रोग्राम है, कुछ है थोड़ी इसमें, गेच नहीं है वो, गेट सी एच है। हाँ ये देखो बता रहा हूँ, ब्रैकेट का लफड़ा है ना इसमें, ठीक है, सबसे पहले मेन में चालू हुआ है यहाँ पे, ये मेन का स्टार्ट हुआ है, और सबसे लास्ट में जो है ये मेन का ख़त्म हुआ है, ये वाला जो है ये मेन का है, ओपन हुआ ऊपर और क्लोज़ हुआ, और मेन के अंदर में ही लिखा है, इसीलिए मैं बोला था इंडेंटेशन मेंटेन करो, ये जो क्यों मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ ताकि हम लोग को पता चलना चाहिए ब्रैकेट कहाँ स्टार्ट हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ है, आया समझ में। एक स्पेस दे दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो स्विच मैं लिखा हूँ, ठीक है, स्विच नम यहाँ लिखा हूँ, उसके बाद यहाँ एंटर करके ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद एक स्पेस दे के पूरा लिखा हूँ यहाँ पे, है ना। तो इससे पता चल रहा है ये ब्रैकेट जो है इस यहाँ चालू हुआ है और यहाँ पे नीचे ख़त्म हुआ है, ठीक है। कभी भी ऐसा करोगे तो ब्रैकेट में परेशानी नहीं होगी, ठीक है, इंडेंटेशन मेंटेन करो, जहाँ ओपन हो रहा है तो क्लोज़ भी कहाँ होना है वो हम लोग को पता रहना है, ठीक है, कहाँ क्लोज़ करना है उसको, ठीक है। ठीक है, कुछ डाउट और किसी को, कहाँ कहाँ पे, हाँ देख लो, देखो एरर शायद नहीं बता सकता है, लेकिन जब वहाँ पे मेन क्या करता है, ऐसा बोल रहे हो है ना, इंट नम के पहले क्लियर स्क्रीन, ऐसा, ठीक है, देखते हैं क्या बताता है। ऑल्ट प्लस F9, एक एरर बताया, क्या बता रहा है, डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड हीयर, ठीक है, वहाँ पे डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, मतलब क्लियर स्क्रीन के बाद हम लोग ये नहीं लिख सकते, ठीक। तो जनरली ग्लोबल डिक्लेरेशन जो होता है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन, क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है।
तो अगर मान के चलो पहले ही क्लियर कर दोगे, ठीक है, तो बाकी का जो वहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह होगा सब क्लियर हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या? वो सब प्रोग्राम का अलग अलग होता होगा, यहाँ पे हम लोग इनपुट वगैरह भी ले रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो उस पर डिपेंड कर रहा होगा ना। ठीक है, कुछ एक ऑर्डर होता है जो कंपाइल किया जाता है ना, तो इसका कोई एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर पे ही वो कंपाइल होता है। ठीक है, अब वो ज़्यादा डीप में जाओगे तो ठीक है, बस बेस्ट प्रैक्टिस यही है इसका कि हमेशा डिक्लेरेशन करो, और डिक्लेरेशन के जस्ट बाद क्लियर स्क्रीन लिख लो, हर प्रोग्राम में काम करेगा। ठीक है, ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को? अच्छा, कितने लोग जो है वो एक भी प्रोग्राम प्रैक्टिस करके नहीं देखे आज तक? कोई है ऐसा जो एक भी प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं किए आज तक? सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप, अगर किसी को नहीं होगा तो मोबाइल तो होगा ना। कोई है ऐसा? देखो कौन कौन करता है और वहाँ स्क्रीनशॉट भेजता है वो पता चल जाता है ना, मुझे नाम भी याद है। देखो जैसे एक प्रतीक देशपांडे है, ठीक है, प्रतीक जो है वो हर प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता है और स्क्रीनशॉट भेजता है। ठीक है, प्रांजल भी भेज देती है, और कौन है, जया का भी आता है, एलन का भी आता है, अनामिका का भी आता है, अमृता का भी आता है। ठीक है, और बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? सौरभ कभी का आता है कभी कभी, श्वेता का भी आता है, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते प्रैक्टिस? क्या क्या नाम है? हाँ, ठीक है, सभी प्रैक्टिस किया करो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं बन पाओगे, है ना, सीख नहीं पाओगे नहीं तो, अगर सीखोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेट होता है कि इसी में बैक लगता है सबका। ठीक है, सप्ली आने के चांसेस होते हैं, क्यों सप्ली आते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करो तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक बार टॉपिक समझ लो अच्छे से, एक बार अगर टॉपिक समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जितना अभी तक टॉपिक कराया हूँ सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने कराया है वो सबको समझ में आया कि नहीं आया है? पक्का? ठीक है, सेकंड यूनिट में इफ एल्स समझ में आया? इफ, सिंपल इफ समझ में आया? इफ एल्स समझ में आया? ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर समझ में आया? ठीक है, स्विच समझ में आया? आगे समझ में पक्का कि नहीं आया है? आगे समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग देखो, अभी 4 ही मिनट बचा है, ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच में क्या डिफरेंस है? देखो दोनों में ही मल्टीपल कंडीशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इफ एल्स की बात करें तो वहाँ ट्रू और फॉल्स में लेता है, मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन लेगा, ठीक है, जिसमें रेंज होती है। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, इक्वल, इस प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकती है वो वैल्यू एग्जैक्ट ना हो लेकिन उसे छोटी हो या बड़ी हो, इस टाइप से वैल्यू, मतलब एक रेंज पे वो काम करता है।
ठीक है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो इक्वालिटी पे काम करता है, किस पे काम करता है, इक्वालिटी पे काम करेगा, मतलब जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। जब अगर हम लोग वैल्यू वन ले रहे हैं तो वन ही होनी चाहिए, जो उसमें केसेस वगैरह जो हम लोग लेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वो इक्वालिटी पे काम करेगा। ठीक है, वाइवा का क्वेश्चन आता है कि इफ एल्स और स्विच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में जो एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसका आंसर यही है कि इफ एल्स में जो है मल्टीपल कंडीशन एग्जीक्यूट होते हैं और किसी रेंज में वो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इस प्रकार से भी वो ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड होता है टोटल। ठीक है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो इक्वालिटी पे ही काम करता है। ठीक है, अगर वैल्यू एग्जैक्ट होगी तो स्विच स्टेटमेंट काम करेगा, अगर वैल्यू थोड़ी सी भी डिफर हो जाती है तो काम नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस स्टेटमेंट का है। ठीक है, मतलब जो सिंटैक्स है, यहाँ पे सिंटैक्स जो लिखे हुए हैं हम लोग, ठीक है, सिंटैक्स अलग अलग है दोनों का। ठीक है, यहाँ सिंटैक्स अलग अलग है दोनों का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इफ एल्स में क्या करते हैं, इफ यूज़ करते हैं और इस टाइप का ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ स्विच में क्या होता है, अलग अलग केसेस मैच करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, या तो हम लोग इंटीजर यूज़ करते हैं या कैरेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग इंटीजर यूज़ किए थे, वैसे यहाँ पे कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो इतने डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंस यही होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट होता है सीक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट द कंडीशन इज चेक, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन को सबसे पहले चेक करता है और इफ वाला ब्लॉक जब ट्रू आ जाने के बाद इफ वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, स्विच केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक कंडीशन मान के, मतलब एक अगर केस मैच कर लेता है, ठीक है, अगर ब्रेक हम लोग ने नहीं लिखा है उसमें, तो जितने भी दूसरे केसेस होते हैं भले वो मैच करें ना करें, सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब एक ब्लॉक बनाने के लिए। अगर हम लोग इफ एल्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट से काम चल जाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट हम लोग लगाए हैं, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू वाला ब्लॉक है। ठीक है, अगर हम लोग स्विच केस में यूज़ करते हैं, अगर मान के चलो केस वन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है और ब्रेक हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो अगले ब्रेक आने तक वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होते रहता है।